बिजनौर और चांदपुर रोड स्थित एक निजी बैंकेट हॉल में समाजवादी पार्टी ने संविधान मान दिवस का आयोजन किया, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संविधान और आरक्षण के सिद्धांतों के खिलाफ है, जिस कारण प्रदेश में कानून की व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। प्रदेश में अब कानून का कोई नामोनिशान नहीं बचा है, यहाँ बेटियाँ और बहनें असुरक्षित हैं। पूर्व मंत्री ने आगामी चुनाव में भाजपा को हराने का दावा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीएफ मॉडल संविधान के सिद्धांतों पर आधारित है और यही जनता का सही प्रतिनिधित्व करेगा। कार्यक्रम में सपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिजनौर से ग्राउंड रिपोर्टर अभय शर्मा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर मैं जो हमने पार्लियामेंट में एक जेन्युइन मुद्दे की तरफ जो होने वाली घटना की तरफ वो
पूर्व में संज्ञान लेकर हमने उसे उठाया था पार्लियामेंट में कि अगर सरकार में ये रहे तो निश्चित इनके नेताओं ने बोला है कई जगह कि हम संविधान बदल देंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए एक शांति सुकून और भाईचारा मोहब्बत देश में कायम करने वालों की जमात सभी ऐसी पार्टियां इकट्ठा हुई और वो इकट्ठा होने के बाद में उन्होंने लड़ाई लड़ी और आज उसी का नतीजा है कि संविधान की जहां रक्षा से संबंधित है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी याद करिए, हमें वो वक्त भी याद है जब दिसंबर का महीना था, संविधान बचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या किया था सब जानते हैं। आज उन्हीं के नेतृत्व में उनके बेटे आज हैं और संविधान को बचाने के लिए हर लड़ाई समाजवादी पार्टी जमीन पर आकर लड़ेगी लेकिन संविधान बचाएगी। उसी को उन्होंने प्रोग्राम बनाया था और आज उसी में मैं आपके सामने मौजूद हूँ और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले बाबा साहब भीमराव जी के अम्बेडकर जी के संविधान, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की दीक्षा शिक्षा जो उसमें दिया गया है और मैं कहूँगा छत्रपति साहू जी महाराज जी के जो दिशा निर्देश उसमें थे उस चीज़ को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और इसमें कह देने के नहीं हम आखिरी लड़ाई तक अगर संविधान पर कहीं आ जाएगी तो हम आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, जमीन पर होकर भी संघर्ष कर पर भी अगर हमें लड़ाई लड़नी पड़ी तो वो लड़ाई लड़ेंगे। देखिए उनके विचारों से मेरे को ना जोड़िए, उनके विचारों से आप उन्हें ही जोड़ दीजिए बेहतर है, मैं तो तुम्हें अस्सलाम वालेकुम कर रहा हूँ, आप बताइए क्या कहना है। मैं तुम्हें सब कुछ अस्सलाम वालेकुम कर रहा हूँ, आप बताइए उस पर क्या कहना है, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और हर हालात में हमें भी अपनी परंपराएं और कुरान का सिस्टम कि हरी फसलों को नहीं उजाड़ना है, गरीबों पर अत्याचार नहीं करना है, बेगुनाहों पर अत्याचार नहीं करना है, ये हमारे नबी का बताया रास्ता है और एक अदब करने का सलाम करने का भी तरीका बताया। आगामी 2000 हम मुतमईन नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग अब अस्वस्थ हो गए, बिल्कुल आराम से बैठने वाले नहीं हैं, ये लड़ाई किसी भी स्तर पर समाज की लड़ेंगे और 2027 में समाजवादी पार्टी की हम निश्चित मुतमईन हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार गठबंधन की सरकार बनेगी।